खिला दे भाई गोलगप्पे। यमुंडा बहुत लजीज है, खाओगे? यमुंडा हमें भी दो कटोरा। तू भी बन जा चटोरा। यमुंडा और दो। कितने खाएगा और? ये खा के तेरा पेट खराब कर देगा। यमुंडा और दो। और कितने खाएगा? पैसे पैसे। पैसा क्या होता है? ये हाँ हाँ ये दे दो। पकड़ो यमुंडा। हाँ। मुझे ऐसा लगा वो चोर बैग में से पैसे ले गया। यमुंडा हाँ। उस चोर पर हमें क्रोध आ रहा है। गोलगप्पे वाले का क्रोध दे, कैसे बैठेगा इसे, कैसे सुलटेगा? गोलगप्पे वाले का क्रोध। हाँ यमुंडा, गोलगप्पे वाला कुछ नहीं करेगा, भागो। ये लो अम्मी गरम रोटी। अरे मेरे बेटा जीती रहे, गरम गरम खाना खिला रही है मुझे। हाँ जी जा बना ले। और बहुत अच्छी सब्जी बनाती है मेरी रुखसाना। रुक जा। अगर इतना रुक जाना कुछ कह दी ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। अम्मी को कुछ कह देगा इधर। अरे अरे ये किस दुविधा में फंस गया तू धरती पर आकर? और वो बालक कहाँ है? देखता हूँ, दीवार पर चढ़ देखता हूँ। अरे नाज पीटे करम जले, कहाँ घुसा चला रहा है डाकू चोर कहीं का? रुखसाना, अरे रुखसाना देख हमारे घर में चोर घुसा आया। अरे नहीं नहीं माते, हम कोई चोर लुटेरे नहीं हैं, हम तो कुछ लोगों से बचने के लिए तुम्हारे घर में आ छुपे हैं यमुंडा। अच्छा रामजादे, तुझे अभी बताती हूँ मैं, तो तेरे पीछे पुलिस भी पड़ी है। यमुंडा माते, ये पुलिस की साफर का नाम है यमुंडा। रुखसाना, अरे बहरी हो गई है क्या? देख हमारे घर में चोर गुंडा घुसाया है। यमुंडा माते, ये गुंडा किसे कहते हैं? अच्छा एक चोर को मुझे ये बताना पड़ेगा कि चोर को ही गुंडा और डाकू बोलते हैं? नहीं नहीं, हम कोई चोर डाकू नहीं है, हम तो यमलोक के यमराज हैं। यम है हम है यम, उस लोक के महाराज हैं हम। हम लोगों के प्राण निकाल कर अपने साथ ले जाते हैं यमुंडा। मैं तेरी बड़ी बड़ी मूछों को देखकर ही समझ गई थी कि तू किसी घाटी का डाकू है। आई, मुझे? यमुंडा मैं ऐसी वैसी ऐरी गैरी औरत नहीं हूँ, मैंने भी अच्छो अच्छो को धूल चटाई है। तू क्या समझता है कि तू मेरे प्राण हर लेगा, मुझे मार देगा? अरे मैं खुद तेरे प्राण हर लूंगी, और अगर मैंने तेरे प्राण ना हरे तो मेरा नाम भी अरे आप। वाह रुखसाना वाह, क्या एंट्री मारी तने हीरोइन तरह, वरना अम्मी तो नाम बताने जा रही थी इसमें राहुल मौत को। क्या बेटे तू इन्हें जानती है? हाँ अम्मी, जब मैं बाजार गई थी ना सब्जी लेने तो वहीं मिली थी इनसे। बेचारे बहुत भले आदमी हैं, लगता है अपने गांव का रास्ता भूल गए हैं। बेटी तुम समय पर नहीं आती तो आज फिर हम शर्मिंदा हो जाते। जीती रहो बेटी यमुंडा। आप खाना खाओगे? हाँ माते,
गोल गप्पों से तो पेट भरा नहीं, अब तो हम खाने से पेट भरेंगे यमुंडा। अम्मी ये क्या कह रही हो? आप बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ। हाँ बैठ जाओ। कौन है? फिर जाना, खड़ी हो, डर क्यों रही हो? खड़ी हो, खड़ी हो। हाँ ये चल उधर, मिलवाती हूँ, तेरा सारा डर निकाल देती हूँ। जल्दी चल बाजी, नहीं बाजी इधर आ तो सही, तेरा डर निकाल दिया बाजी। नहीं बाजी ये तो बहुत डरावना लग रहा है बाजी। नफीसा जब मैं मिली थी मैं भी डर गई थी, और अम्मी का भी यही हाल था। अगर शेख जी ने देख लिया तो उनकी क्या हालत होगी? बाजी इसका ये हुलिया और इसकी ये बड़ी बड़ी मूंछें देख के तो मुझे ये लगती है यमलोक से आया हूँ यमराज। बाजी मुझे बचा लो। यमुंडा बेटी क्या मैं जान सकता हूँ तुम तीनों का आपस में क्या रिश्ता है? हाँ जी बिल्कुल, ये मेरी सास है, सास बिल्कुल मेरी माँ जैसी है माँ, और ये मेरी छोटी बहन है यमुंडा। मुझे माफ कर दो या गुंडा जी। गुंडा नहीं माते यमुंडा, किस बात की माफी? यमुंडा जी मैंने जाने अनजाने में जाने आपको क्या क्या बोल दिया। जाने अनजाने में की गई गलती कोई गलती नहीं होती, गलती वो होती है माते जो जानबूझकर की जाती है, और आपकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता यमुंडा माते। या गुंडा जी नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब या मुंडा जी खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा लीजिए, बिस्मिल्ला करो। बिस्मिल्ला। बहुत स्वादिष्ट है। हाय अल्लाह, ये तो ऐसे खा रहा है जैसे महीनों का भूखा हो। वाह कितना स्वादिष्ट खाना है, अब सब कुछ समझ में आ गया यमुंडा। क्या समझ गए आप? हमारे भगवान विष्णु बार बार मानव का अवतार क्यों लेते हैं? क्यों यमुंडा जी? माँ और बेटी के हाथ का प्रेम भरा खाना खाने के लिए। मैं आपके लिए और रोटियां लेकर आती हूँ। नहीं बेटी। यमुंडा जी खाना भरपेट खाना चाहिए, दस्तरखान से भूखा नहीं उठना चाहिए। यमुंडा जब से हमने धरती पर कदम रखा है तब से हम भाग ही रहे हैं और खाना भी भरपेट नहीं खाया, और आज एक परिवार की तरह तुम्हारे साथ खाना खाकर हम बड़े प्रसन्न हुए। पर एक बात का दुख है माते। कैसा दुख यमुंडा जी, आपकी तबीयत तो ठीक है। यमुंडा माते हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी आपने बोला तो मुझे माँ है, और आप तो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए मेहमान हो हमारे, हमें तो बस आपकी दुआएं चाहिए। यमुंडा माते दुआएं हैं, दुआएं तो हैं माते यमुंडा। वाह 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 अम्मी क्या शॉट मारा है, एक ही शॉट में गेंद स्टेडियम से बाहर। यमुंडा दीर्घ आयुष्मान भव। जी यमुंडा जी। माते जितनी जिंदगी तुम जी चुकी हो उससे डबल जियो। जी यमुंडा जी। हमें चलना होगा। अच्छा तो ठीक है, अब हमें चलना होगा, बालक हमारे बगैर वहां परेशान होगा। यमुंडा। जी यमुंडा जी। यमुंडा।
बल्ली बल्ली मजा आ गया रे। मेरी अभी बच गई। अरे रुक जाना। हाँ मम्मी। बेटा मुझे ऐसा लगता है बंदर आ गया छत पे। चद्दर सूख रही है, जा उतार ला जल्दी। अभी ले आती हूँ मम्मी। और तू ऐसा कर, तू ये रसोई में रखा जा। इन बंदरों ने भी परेशान कर रखा है। मेरी अम्मी बच गई। मेरी अम्मी बच गई। हाय अल्लाह, ये तो बंदर नहीं है, कोई चोर दिख है। अम्मी को बुलाती हूँ। अम्मी खाला। हाँ बाजी, चिल्ला रही ऊपर से, पता नहीं क्या हो गया। चलो बाजी, क्या हो गया? चलो खाला, चल चल जल्दी। जान मार दूंगा। हाय अल्लाह, क्या हुआ इसे बाजी? अरे क्या हो गया बाजी? अरे क्या हुआ? उठो बाजी। अरे बंदर होगा ना, अम्मी चोर था, कोई बंदर ऐसा मार के जाता क्या? अरे इसे छुआ मत, कम मखत मारी वही छू रही है। अय हाय, बहुत ही मार गया। चल बेटा इसे नीचे ले चल, चल इसे। यमुंडा, अब उस शेख चिल्ली को कहां ढूंढे हम? यम, अभी वो धरती पर है, अगर वो स्वर्ग लोक में होता तो थाली में पड़े चावलों की भीड़ में हम उसे ढूंढ निकालते। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। यम है हम हैं यम। यम लोक के महाराजा, तुम्हारे पीछे खड़े हैं हम। तुम कहाँ खो गए थे? हम तुम्हारी तलाश में कहाँ कहाँ घूमे। चलो हमारे साथ जमीला बी की तलाश में। यमुंडा, हाय। अरे फौजिया तू पीछे हट। कहाँ है ये शेख चिल्ली? आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अरे कुछ बात भी हो गई, क्यों नहीं छोड़ेगी तू उसे? पहले उसे सामने तो आने दो, फिर बताऊंगी। सत्यानाश हो उस शेख चिल्ली का, धरती पे बोझ। अरे तू मेरी बहन है, इसका मतलब ये थोड़ा ही तू अनाप शराब कुछ भी पकेगी और मेरे बेटे को कोसेगी। देखो फातिमा भी, तुम बीच में बताना, नहीं तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन हो। ऐसा क्या कर दिया खाला उन्होंने जो तुम आग बबूला हो रही हो? कोरोना की बीमारी के चलते हुए जब से लॉकडाउन लगा है वे घर पे खाली बैठे हैं। ओहो, तो खाला इसमें इतना आग बबूला क्यों हो रही हो? पूरा घर सर पे उठा रखा है। और ये बताओ, कोरोना में तो सभी अपने अपने घर बैठे हुए हैं, इसमें क्या नई बात है? और इसमें हमारे दूल्हे भाई का क्या कसूर है, है? देख तू तो मेरे मुँह न लग, नहीं तो तेरी चुटिया रगड़ दूंगी। अरे हट। डंडा लेने जा रही है, चुप हो जाती हूँ। बाहर निकल शेख चिल्ली, काम का ना काज का, धरती पे बोझ। अरे अपने हद में रह के बात करियो, आगे कुछ मत बोलियो। कैसे ना बोलूं? तुम्हारा लाडला बेटा शानू पतंग वाले से 15 अगस्त को 800 रुपए की पतंगे मेरे शोहर के नाम से लेकर आया है, वो भी उधारी। और वो शानू पतंग वाला अब मेरे घर के सुबह शाम चक्कर काट रहा है। 14 अगस्त से तो मेरा बेटा बाहर है और तो उस पर उधारी का इल्जाम लगा रही है। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझ गई? अच्छा ये बात है, तो ठीक है। खाला छोड़ दो, खाला खाला मत मारो खाला। अम्मी छोड़ दो, अम्मी 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 ये क्या कर रहे हो तुम? अम्मी मत मारो खाला, खाला छोड़ दो, तो मैं मारो खाला, खाला रे हट, खाला रहने दो, मारो अम्मी, तुम भी मारो खाला, मारो मारो और मारो। आई आई खाला, अभी बताती हूँ तुम्हें, रुक जाओ। ए मम्मी।
टांग टूट गई। अम्मी आने दो शेख जी को, बहुत खाला खाला चिल्लाते रहते हैं ना। अगर मैंने भी खाला की दोनों टांगे ना तोड़वाई ना तो मेरा नाम भी रुखसाना नहीं। बाजी ये खाला तो हम तीनों को कूट गई रख के। तू चुप रह, मैं खाला की टांग तुड़वा के रहूंगी शेख जी से। अरे अब जमाने चलाती रहोगी, मेरी टांग भी चल ऊपर बिठवा उठा के। बैठ जाओ खाला, ऊपर बैठ जाओ। उठो अम्मी, अम्मी आराम से, उधर से पकड़, यहीं से पकड़ पकड़। उठो उठो अम्मी, उठो अम्मी आराम से माँ और बेटी के प्यार का सही अर्थ असली में हमें धरती पर आकर पता चला। जब से हमने उस देवी के हाथ का बना खाना खाया है तब से हम माँ की कमी महसूस कर रहे हैं। अगर हमारे बस में होता तो हम उस देवी को यमलोक ले जाकर उसके चरणों में बैठकर उसके हाथ का भोजन खाते रहते। शेख चिल्ली यमुंडा। तेरे घर में तेरी खाला। तेरी मम्मी की टांग टूट गई और रुखसाना ने रो रो के बुरा लग रखा है, घर को जा। खाला की ये मजाल, मेरी अम्मी पे मेरे घर में घुसकर हाथ उठाया, मेरी अम्मी की टांग तोड़ी, नहीं छोड़ूंगा खाला को। यमुंडा तुम कहीं नहीं जाओगे शेख चिल्ली, पहले तुम जमीला को ढूंढने हमारे साथ शैतान चौक चलोगे। आखिर क्यों? क्योंकि तुम मर चुके हो और तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। जो तुम्हारी अम्मी की टांग तोड़ सकती है तो समझो वो कितनी खतरनाक होगी, इसलिए हम तुम्हें जाने की इजाजत नहीं देंगे। यमुंडा मैं जाऊंगा, जाकर रहूंगा, जा रहा हूँ। यमुंडा तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा। यमुंडा तो तुम नहीं मानोगे? नहीं। यमुंडा हम तुझे बांधेगा। यमुंडा 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 हमारा सारा शरीर दुखने लगा है, अब हम थोड़ा आराम करते हैं। यमुंडा 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 हाँ अंकल। बेटा मुझे खोल दे। पैसे लूंगा, खोल तो दूंगा। दे दूंगा पैसे, दे दूंगा। सौदा कर रहा, सौदा कर रहा, आराम जाते, सौदा कर रहा, खोल लेके भी दे दूंगा, दे दूंगा। खोल दे, खोल दे, खोल दे, खोल दे।
पैसे है, पैसे है, साले साले चले जा, साले सौदा कर, साले रस्सी खोलने के पैसे ले रहे बदतमीज से, एक के लिए पागल हो गया। यमुंडा यमुंडा शेख चिल्ली यमुंडा, ये शेख चिल्ली कहाँ गया? ए बालक सुनो, तुम किसी शेख चिल्ली नाम के व्यक्ति को जानते हो? हाँ महाराज, मैं जानता हूँ। कहाँ पर रहता है वो? प्रधान जी के घर के पीछे रहता है। ठीक है, तुम जाओ यमुंडा। यमुंडा, मैंने शेख चिल्ली के घर को अभी ढूंढा। यमुंडा को मारा और मेरी साई नफीसा को मारा है? काला नहीं, काला की जगह देख दूंगा। अगर मैंने उसकी टांग ना काटा तो मेरा नाम शेख चिल्ली नहीं। काला की बच्ची बाहर निकल, काला नहीं, काला की जगह मेरी अम्मी की टांग तोड़ेगी। रुखसाना को बुलाया और तूने मेरी साई नफीसा को मारा, इतना बड़ा जुलम, बाहर निकल, दरवाजा खोल दे। हरामजादे, क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रिया है? अंदर आजा, मुझे तेरा ही इंतजार था, अंदर आजा। मेरा इंतजार कर रही है, हैं? दरवाजा भी खुला, मैं इतनी देर से वैसी गला फाड़ रहा हूँ, कैसे अंदर से बड़बड़ा रही है खाला की बच्ची? ले आ गया अंदर, अंदर आ गया, हैं? तुझे शर्म नहीं आई मेरी अम्मी पे हाथ उठाते हुए? क्यों चिल्ला रिया है बे? क्या बे? क्यों, क्या कर लेगा बे? हाय, फिर बे बोला, खाला खाला, होश में रह, होश में। तू अपने आप को समझता क्या है बे? हाय, फिर बे बोल दिया, बस बे बंद बोल दिया। अच्छा, चोर निकम्मा, एक नंबर का कमीना, ना लायक है बे। अच्छा, फिर बे बोल रही है, ये ले, बे बोलेगी। मार लिया, नालायक, अजय सुनते हो? देखो ये हरामजादा शेख चिल्ली मुझे मार रिया है। क्या हो गया? अरे देखो ये हरामजादा शेख चिल्ली मुझे मार रिया है। क्यों बे शेख चिल्ली, अबे तुझे शर्म ना आ रही? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये तो बहुत प्यार कर गई है ना हमारे घर पे इससे कुछ। अबे देख लूंगा तुझे, एक मारूंगा ना, सीधा कर दूंगा तुझे। ए खालू, हाथ पीछे रख, खाने का हाथ नहीं धोए नापाक। छी, और मुझे मारेगा, मारेगा तू, मारेगा खालू के बच्चे, ले मारेगा। ए ए ए देख, अब देख ले मार जा तू, छोड़ दे तू, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, यमुंडा यमुंडा, बालक क्या तुम जानते हो शेख चिल्ली कहाँ रहता है? हमें नहीं पता। नहीं पता? यमुंडा यमुंडा, अरे तुम कौन हो? तुमने तो हमें डरा दिया। यम है हम हैं यम। क्या तुम शेख चिल्ली के घर का पता बता सकते हो हमें? शेख चिल्ली के घर जाना है? हाँ। शेख चिल्ली हमारे ही मोहल्ले में रहता है। कहाँ पर रहता है वो? शैतान चौक पर। आइन, शैतान चौक पर। यमुंडा चलो चलो। यमुंडा यमुंडा, अल्लाह।
हाँ खाला, ठीक हो जाओगी? क्यों परेशान हो रही हो? यमुंडा, आज अगर मैंने शेख चिल्ली के साथ उसकी रुखसाना को भी ऊपर ना पहुंचाया तो मेरा नाम भी फौजिया नहीं। यमुंडा यमुंडा, अरे मुझे तो तू लग रहा है किसी गली का गुंडा। चलो जी, ये गुंडा क्या होता है? चलो यमुंडा यमुंडा यमुंडा। महाराज, यही है शेख चिल्ली का घर। यमुंडा, नहीं नहीं, ये शेख चिल्ली का घर नहीं हो सकता। नहीं नहीं, तुम अंदर तो जाओ, यही है शेख चिल्ली का घर। यमुंडा, अम्मी अम्मी, फड़क फड़क मत कर, डॉक्टर ने बढ़िया दवाई दी है तुझे। ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाओगी अम्मी, ठीक हो जाओगी। यमुंडा, शेख चिल्ली, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हम तुम्हें यमलोक में इसकी सजा डबल देंगे। सम्राट जी, तुम भी? इससे पहले मेरे मन का ज्वाला क्रोध बनकर फटे, मेरे सामने से हट जाओ, हम जमीला के प्राण निकालने आए हैं। मैं भी देखती हूँ तुम मेरी आंखों के सामने, तुम मेरी अम्मी को हाथ कैसे लगा सकते हो। शेख जी, तुम भी टुकर टुकर देख रहे हो, खड़े खड़े कुछ कह नहीं सकते। रुखसाना, दरअसल बात यह है, यह मुलाकुल बहुत है, इसे हिंदी भाषा में यमराज कहते हैं, ये अम्मी की रूह निकालने आया। देखा, अब हमारा काम आसान हो गया। आप शेख चिल्ली भी बचना नहीं चाहिए। चलो चलो सुनते हैं। मगर यमराज जी, एक बात पूछूं? यमुंडा, पूछो, क्या पूछना है? क्या जुबान से निकले अल्फाज वापिस हो सकते हैं? नहीं। क्या कमान से निकला तीर वापिस कमान में आ सकता है? नहीं। शेख चिल्ली, तुम ये कैसी पहेलियां पूछ रहे हो? यमुंडा, पहेलियां नहीं यमराज जी, तुम्हारी जुबान से निकले अल्फाज तुम्हें याद दिला रहा हूँ, एक दिन इन्हें तुमने ही डबल उम्र जीने की दुआ दी थी, है? जमीला यानी मेरी अम्मी को। हमारी पुस्तक के हिसाब से इनकी आयु पूरी हो चुकी है, और तुम भी हमारे साथ चलने की तैयारी करो, क्योंकि तुम भी मर चुके हो। या शेख चिल्ली, देखा, हमारे यहाँ तो फरिश्ते आते हैं रूह निकालने, और इनके यहाँ यमराज आया। हम हैं यम, यम हैं हम, शेख चिल्ली, ये दुष्ट कौन है? ये दुष्ट वो है जिन्होंने इतना बुरा हाल करा, टांग तोड़ी मेरी अम्मी की, दुष्ट है। इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी, पर फिलहाल तुम हमारे साथ चलो, अपना हाथ हमारे हाथ में दो। यमुंडा यानी यमराज जी, तुमने रुखसाना को भी तो सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है, उस हिसाब से तुम मुझे नहीं ले जा सकते। यमुंडा, हम अपनी बात के आगे अपने प्रभु की बात रद्द नहीं कर सकते, चलो हमारे साथ। यमराज मान जा, मान जा यमराज, मान जा मुंडा, मान जा यमुंडा। क्या? नहीं नहीं यमराज, यमुंडा नहीं, यमराज जी नहीं, यमुंडा नहीं नहीं, यमराज जी आप ऐसा नहीं कर सकते। जमीला बहन दुनिया में मेरी एक लौती बहन है, इसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, आप ऐसा जुल्म ना करें। हाँ यमुंडा जी, इन्हें छोड़ दो, इनकी तो एक टांग भी टूटी पड़ी है, वैसे भी ये इतने दूर का सफर कैसे तय करेंगी। यमराज जी, हाँ? यमराज जी, हमारी ले दे के एक ही तो औलाद है, हमारे खानदान में एक ही तो बच्चा है, ये इसे मत ले जाओ। अपने हाथ का खाना भी खिलाया है आपको, छोड़ दो यमुंडा, छोड़ दो, अरे कहाँ भागा जा रहा है फरीद? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख चिल्ली दौरा पड़ गया है? हाँ, मैं घर बताने जा रहा हूँ। चल मैं भी आया, अभी आता हूँ दो मिनट में। नफीसा बेटा, दरवाजा खोलना, देखना कौन है। देखती हूँ अभी। चाची जान कहाँ है?
चची जान ये रही। हाँ बेटा। चची जान शेख चिल्ली भाई का दौरा पड़ गया नदी किनारे। दौरा पड़ गया? अरे रुखसाना। हाँ अम्मी। अरे जल्दी आ, शेख चिल्ली का कुछ हो गया। क्या? जल्दी आ। हाँ हाँ चल भैया, चल चलो जल्दी से। जल्दी चल। क्या हो गया शेख जी को? गजब हो गया, गजब हो गया। सत्यानाशी, जब देखो गिरते पड़ते ही रहते हो, ऐसा लगता है जैसे दूध के दांत अभी टूटे हैं। अरे वो सब बाद में बोलियो, उधर देख ले शेख चिल्ली बेहोश हो गया। हाँ शेख चिल्ली को दौरा पड़ा है। जल्दी चल। चलो चलो। अरे आग तो ठंडी कर ले। हाँ हाँ हाँ। चलो चलो उठो, खड़े तो हो जाओ तुम भी। हाय या अल्लाह, पता नहीं क्या हो गया ये शेखू भी ना। भागा नहीं जाता तो आगे आगे क्यों भागते हो? उठा तो सकती है। उठ जाओ जल्दी से, चलो। अरे रुक तो जाओ कमीनो, मुझे छोड़ के भागोगे क्या? हाय अल्लाह। अरे नाज बेटे यहाँ क्या कर रहा है तू पड़ा हुआ? अम्मी मुझे गिर गया है, यमराज के चक्कर में गिर रहा हूँ, यमराज के चक्कर में गिर रहा हूँ यहाँ। आए हाय, ये पागलपन छोड़ो और बाहर निकलो। हाँ बाहर निकला जा रहा, सारी जुबान चला रही है, चिपका पड़ा हूँ यहाँ। ओबे छुटा भी नहीं जा रहा। आए हाय खाला, निकाल लो ना जाके। मिट्टी नहीं छोड़ रही। अरे मैं कैसे निकालूं? खालू खड़ा खड़ा लाड़ दिखा रहा, यहाँ नहीं आ सकता। अम्मी निकाल ले मुझे, अम्मी निकाल ले, हाथ पकड़ ले। अरे निकालो कैसे बेटा, मेरे नमाज के कपड़े गंदे हो जाएंगे। अम्मी है नमाज बीच में आ गई। मारो जरा, तू खड़ी खड़ी देख, निकाल ले मुझे, निकाल ले। नहीं शेख जी मैं नहीं निकालू, मैंने तो आज ही नया सूट पहना है। अच्छा तू तो नया सूट बचा रही है। खाला खाला तेरा तो मैं प्यारा हूँ, निकाल ले। अरे चल हट शेखू, मेरी तो वैसे ही तबीयत खराब है। चुंदे खालू, चुंदे खालू, तू निकाले चुंदे खालू, निकाल ले मुझे, ले मेरा हाथ पकड़ ले चुंदे खालू। चिल्ली मैंने कच्छा नहीं पहना नीचे। ओए होए नंगा फिरा है, सान नंगा फिरा है। और जालिम तू, वैसे तो दूल्हे राजा, दूल्हे राजा, दूल्हे राजा करती फिरा है। तुझे तो मिठाई लाता हूँ मैं, तू निकाल ले। ओए होए मुझे तो जाना ही पड़ेगा। हाँ दूल्हे भाई, मेरे तो प्यारे दूल्हे भाई है, मैं तो आ ही रही हूँ। आ रही हूँ दूल्हे भाई, रुक जाओ। लो छू लो, थोड़ा सा छूना बस, थोड़ा सी छूना बस, पकड़ो। अरे खींचो, निकल।
हो थारे गांव में आई जी जे सारे मने घुमाइए अंडी तने बना दूं साली ना मन में घबराइए थारे गांव में आई जी जे सारे मने घुमाइए अंडी तने बना दूं साली ना मन में घबराइए किसे थारे खेत दिखा दे और कोई का पानी सारी चीज दिखाऊं साली जो भी मन में खानी मेरे साथ में चलिए जीजे मैं तो सुन जानी हाथ पकड़ के पीछे चलिए जैसे चले रानी वो बोल के मीठी रे 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 बोल के मीठी रे 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 हाँ बोल के मीठी वाणी जीजा मन की बात बताइए एंडी तवे बना दूं साली ना मन में घबराइए थारे गांव में आई जीजे सारे मने घुमाइए एंडी तवे बना दूं साली ना मन में घबराइए घूम के देखूं जीजे यूपी की हरियाली में फुर्सत के माँ आई साड़ी यहाँ भी पूरा ठाली में कहाँ ट्रैक्टर चलते जीजे देखो थारे हाली में मोती जैसा चमके पानी यहाँ खेता की नाली में कितने किले रे 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 कितने किले रे 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 कितने किले जीजे थारे मन ने आज दिखाइए एंडी तवे बना दूं साड़ी ना मन में घबराइए थारे गाँव में आई जीजे सारे मन अपना शहर दिखा दे जीजे पानी पूड़ी खाऊं मैं घरा चाल के संग में खा ले तने जले पी लाऊं मैं हरी गांव की गलियां देखूं यहां पे रहना चाहूं मैं हरी राम के संग में साड़ी तेरा ढक करवाऊं मैं हां जी जगा ले रे 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 हां जी जगा ले रे 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 हां जी जगा ले गाना इब तू गा के मने सुनइए एंडी तवे बना दूं साड़ी ना मन में घबराइए थारे गांव में आई जीजे सारे मने घुमाइए रुखसाना ते गुस्सा छोड़ तू अब तो मान जा रुखसाना ते गुस्सा छोड़ तू अब तो मान जा मैं रुकने वाली नहीं सेख जी पूरी जान जा हाय रुकने वाली नहीं सेख जी पूरी जान जा मैं चाली अपने मन छोड़ के जाइए तू